भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है। भारतवर्ष के इतिहास में न जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे देश को और भी ऊंचा बना देते हैं। जैसे कि हमारा देश कई क्षेत्रों में रोचकता फैली हुई है, जैसे यहाँ का प्राचीन इतिहास है जो, और इसे बहुत ही पुराना माना गया है। शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश हो जो हमारे भारत देश के बराबर, मतलब इतना पुराना इतिहास हो जिसका। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार और आप देख रहे हैं RVTG ब्लॉग। तो आपको जैसा है पता होगा कि मैं आपके सामने जो हमारे ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ जैसे ऐतिहासिक धरोहर होती हैं या प्राचीन हिल स्टेशन है, इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चलो आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में बात करने वाले हैं जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो चलिए अब हम वहीं पर जा कर बात करते हैं। ओके, आज हम ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय इतिहास में बहुत ही पौराणिक रूप से जाना जाता है। उड़ीसा राज्य के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। उससे 40 किलोमीटर दूरी पर कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को चंद्रभागा नदी के किनारे पर बनाया गया था, लेकिन चंद्रभागा नदी का अभी कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब लुप्त हो चुकी है। पर जो हमारी हिस्ट्री की जो किताबें हैं, इतिहास में दर्ज है कि चंद्रभागा नदी के किनारे पर सूर्य मंदिर बना था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके इतिहास के बारे में। इस समुद्र का इतिहास ऐसा है कि कुछ जैसे कहा गया है कि बताया जाता है, जैसा हमने सुना है कि जब भी कोई समुद्र के बीच में से कोई जहाज निकल के जाता था पानी का, तो इसका गुरुत्वाकर्षण था, उसके कारण जो भी जहाज वो किनारे की तरफ इसकी तरफ खींचे चले जाते थे। तो उसके पीछे का रहस्य बताते हैं कि इसके जो मंदिर के ऊपर करीब 72 टन का एक मैग्नेटिक पत्थर था जिसकी वजह से ये खींचे चले हुए आते थे। तो अब हमने मैंने टिकट ले ली थी और अब कूपन देकर एंट्री करते हैं। चलिए भाई, एंट्री तो हो गई है। तो आपको पहले इसका कुछ व्यू दिखाते हैं, उसके बाद इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। आप इस मंदिर की बनावट देख सकते हैं। उस टाइम मतलब आधुनिकता नहीं थी और संसाधनों का इतना अभाव था, फिर भी इतना विशाल, इतना भव्य मंदिर बना दिया। तो उस टाइम के इंजीनियर जो थे, हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं थे, बहुत तगड़े इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे। आप इससे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। ये बेसिकली एक जैसे सूरज का रथ होता है, रथ के आकार का बना हुआ है, रथ टाइप का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा मंदिर, ठीक है। पहले हम इसको चारों तरफ से देख लेते हैं और बात भी करते हैं। बने। और सवाल ये उठता है कि इतने भव्य मंदिर को साधनों के अभाव में किस प्रकार बनाया होगा। ये देखो क्या कारीगरी है, क्या नक्काशी है। Thank you.
वाक्य है, उसका राज ये है। कहते हैं कि इसके जो पीछे मेन मंदिर है उसके जो ऊपर जैसे गोल गुंबद होता था, इसमें एक चुंबकीय पत्थर रखा हुआ था करीब 50 से 60 टन के बीच में, वो जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेता था। पर ऐसे कोई ख़ास प्रमाण नहीं मिले हैं कि ऐसा कोई चुंबकीय पत्थर था, तो कह नहीं सकते। पर पुरानों जो पौराणिक इतिहास हमारा उसमें दर्ज है ये सब चीज़। तो मुग़लों ने, जैसे मुग़लों का शासन आया था तो उन्होंने उस पत्थर को वहाँ से हटवा दिया, जिसकी वजह से उसकी जो दीवारें थी जिसका उससे बैलेंस बना हुआ था वो टूटने लगा, क्योंकि ऊपर से बैलेंस नहीं रहा, तो इस वजह से वो टूटने लगे। चलो मैं आपको वो दीवार, मुख्य मंदिर था जो, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, एक्चुअली ये मंदिर एक सूरज भगवान का रथ के जैसा रथ है, सात घोड़े वाले, इसमें सात घोड़े थे बस, अब तो यही बचे हैं। ये देखो टूटे हुए हैं सारे, जैसे घोड़े खींच रहे हो इसको। ये देखो रथ के पहिए हैं, रथ के टाइप में ये बनाया गया था। ये एक्चुअली मंदिर एक अपनी जो मूर्तियां हैं ना, जो विवादित मूर्तियां हैं उस टाइप की शैली की हैं, वो भी काफ़ी विवादित रही हैं जो उस टाइप की बनाई गई है। देखो मंदिर का भी करीब 270 फीट ऊंचा है, तो मैं इसको आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये गेट थे ये बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये मंदिर बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी दीवार गिरने लगी थी। तुम विश्वास हो रहे ने बसवा मां मंदिर था वो ये था, यहाँ जो एक टूटा हुआ है दीवार नहीं है, दीवार गिर चुकी है। और कारण उसका ये था कि इसके जो ऊपर मैग्नेट थी वो मैग्नेट हटा दी, जिसकी वजह से इसकी दीवारों का संतुलन बिगड़ा और वो टूटने लगे। इसी वजह से मंदिर के अंदर रेत भर के इसको सील कर दिया गया, जिससे उसको थोड़ी मजबूती मिले, खड़ा रह सके।